कोई भक्ति नहीं है, ये कोई रिलीजन रिलीजन को मानने वाले लोग मुझे लगते नहीं है, ये रिलीजन के व्यापारी है और सबसे खतरनाक होते व्यापारी जो रिलीजन को बेचते हैं। बातें राम की चली है भाई, बातें रहीम की चली है भाई, बातें वेद की चली है भाई, बातें भेद की चली है भाई, बातें कुरान की चली है भाई, बातें कुरान की चली है भाई, राम कथा में डूबे हम भाई, राम लीला में डूबे हम भाई। अरे राम रहीम तो अपनी जगह पे, रोजी रोटी कहाँ ढूंढे रे भाई, बड़े झोलर बैठे है भाई। यू मे नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग झोलर, दिस इज झोलर, दैट इज धारावी स्लैंग मेड बाय संभाजी झोलर, यू नो। बड़े झोलर बैठे है भाई, बड़े सेलर बैठे है भाई, विन नेट पे बैठे है भाई। अभी आप पहले से नेट पे बैठते तो बहुत अच्छा होता, इधर तक आया तभी आप लोग नेट का प्रैक्टिस के लिए इकट्ठा आ गए, तभी पहले आ जाते तो क्या कायतू यार अपना नेट। वो लोगों ने पहला लेट नेट जब लाया ना किपसे साहब, तभी मैं बोला कि वापस एक बार मेरे फैमिली का मतलब मेरे एंसेस्टर्स में पहला ग्रेजुएट मैं हूं, और जब ये नेट और ये सब आया मैं बोला वापस सामान पड़ोगे, वापस अंगूठा चाहिए, क्योंकि वो नहीं आता है ना, जैसे इनको नहीं आता है वैसा मेरे को भी नहीं आता है ना, मैं वो आता ही नहीं, और उनको आता है, वो तो सब झूठ के झूठ फैला रहे। और वो इलेक्शन में मैंने देखा कि कंपनी है उनके पास में तो डिजिटल आर्मी है पूरा, और पेड आर्मी है पूरा। ये पेड आर्मी क्या करेंगे, अभी दिखता है तो इंसान कुछ तो कर सकता है यार, ये दिखते नहीं, ये किधर बैठे दिखते नहीं, हाँ ना ये अंदर किधर बैठा है दिखता है नहीं ना, लफड़ा तो होता है, कान के नीचे तो बजाता है लेकिन मालूम नहीं किधर। नेट पे बैठे है भाई, वे जेट पे बैठे है भाई, इंटरनेट पे बैठे है भाई, जम्बो जेट पे बैठे है भाई, खाली पेट हम बैठे है भाई, सूखे खेत पे बैठे है भाई, जली जिंदगी बैठे है भाई, ये साइबर के सेट है भाई, ये साइबर आया ना, इज अ न्यू कैपिटलिज्म, अशोक डोले कैन अंडरस्टैंड, ये कैपिटलिज्म तो बहुत अलग है ना इसका। अभी दोस्त और इकोनॉमिक स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। ये इंडस्ट्री सोसाइटी गया, ये नया सोसाइटी आया है, ये नया कैपिटलिज्म आया, लेकिन उसका कोई एनालिसिस करने के लिए कोई मार्क्स नहीं है, कोई अंबेडकर नहीं है, तो नए मार्क्स और नए अंबेडकर आपके अंदर बैठ रहा है, ये एनालिसिस करो भाई। मतलब ये जो फासिज्म है ना, ये तो वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस है, इसका तो एक्सप्रेशन है ये हिंदुत्व वगैरह, ये रूप लेके आया है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा। वे साइबर के सेट है भाई, हम सत्संग में बैठे है भाई, साधु संतों के संग में है भाई, आसाराम के रंग में है भाई, सुबह सुबह टीवी खोलते है तो एक बाबा आता है, तो कहता है हवा ले लो, हवा छोड़ो, हवा ले लो, हवा छोड़ो, हवा ले लो। मैंने बाबा को पूछा, बाबा पूरा देश पंक्चर है, अरे क्या हवा लेंगे अत्याचार। और मैं तो बाबा लोगों को सभी सभी सत्संग में जाता हूँ, क्योंकि मैं भी भगत है, सत्संग में जाता हूँ, मैं ऐसी बात नहीं करता, आप लोग जाते कि नहीं मालूम नहीं, भले आप भगवान को मानते नहीं मानते, लेकिन बाबा लोगों को जाके मिलो, क्योंकि वो जो मशीन है 25-25 चैनल लगा के अगर वो बैठे हैं तो दे आर पॉलिटिशियंस माय डियर फ्रेंड्स, दे आर नॉट मेयरली रिलीजियस, दे आर नॉट मेयरली कल्चरल पीपल, दे आर कल्चरल पॉलिटिशियंस। इस देश का पूरा चाबी उनके हाथ में है, एक अगर बाबा बोलता है ना सब सुनता है। तुम लोग इंटेलेक्चुअल लोग है, तुम यूनिवर्सिटी में इधर उधर लिखते लिखते हो गए, इंटरनेट पे कितना भी कुछ भी करो, एक बाबा ने कार्यक्रम कर दिया पूरा सत्यानाश, तुम समझ जाओ। मैंने बोल रहा क्या बाबा बोलो, लेकिन बाबा को समझो, ये देश बहुत अलग तरीके से चलता है। मैं रोज रस्ते पे जाता है, गांव गांव में जाता है, लोग बहुत अलग है, ये बहुत भोला देश है, बहुत भोला है, ये शंकर भगवान है ना वैसा है देश, ये शंकर भगवान है बहुत भोला है, और उसको खुन्नस आ गया तो बहुत लफड़ा करता है, पूरा देश वैसा है। साम मेरा नाम भी वैसा ही है, साम। तो
वो है। तो ये आसाराम बापू, अनिरुद्ध बापू, ये सारे बापू जो है ना, ये एक नंबर के खिसे कापू है, लेकिन ये पैसे का पॉकेट नहीं मारते, वो गलती नहीं करते, भेजे का पॉकेट मारते हैं। और सबसे खतरनाक होता है भेजे का पॉकेट गुल हो जाना। आप लोगों के पहले शुरुआत में भेजे के पॉकेट उन लोगों ने ही मार दिए, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन चलने के बाद भी आप मुंह की चुप कुछ नहीं बोले, सब चुप, क्योंकि मार दिया, पॉकेट मार दिया था, अब थोड़ा गले पे आ गया, अभी लपड़ा बहुत है तो अभी इकट्ठा आ गया। सबसे खतरनाक होता है भेजे का पॉकेट को लूटना, और इसलिए भेजे का पॉकेट संभालो। बॉडी अपना होता है, हार्डवेयर अपना होता है, और सॉफ्टवेयर उनका चलता है। ये प्रॉब्लम है हमारा, हार्डवेयर अपना, सॉफ्टवेयर काम चल रहा है, हम मर रहे। साधु संतों के संग में भाई, आसाराम के रंग में भाई, सत्य साई की भाषा में भाई, सतयुग की आशा में भाई, सिलिकॉन के वैली में भाई, सियाराम का मार्केट है भाई, वॉल स्ट्रीट पे बैठे हुए भाई, वानर सेना हम बन गए भाई, अमेरिका से देते हैं झटका। व्हाई आई एम टेकिंग नेम ऑफ अमेरिका, बिकॉज मोदी एंड ट्रंप बोथ आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड इक्वल कैरेक्टरिस्टिक्स। अमेरिका से देते हैं झटका, अयोध्या में हमने खाया ये फटका। Those who can understand what I am saying, you just try to understand. अयोध्या में हमने खाया ये फटका, वे एक्टिंग करते हैं भाई, बहुत एक्टिंग करता है, बहुत एक्टिंग है। ये अमिताभ बच्चन भी उसके साथ में जाकर सीखना चाहिए, अच्छा एक्टर है। हमारे देश के जो महान सेवक है, क्या बोलते हैं, प्रधान सेवक, वो इतने बड़े एक्टर है भाई, ये सब जो कौन एक्टर रहेगा वो जाके उधर सीखो। पहले दिन जब वो चुन के आए और सब संसद में जा रहे थे ना, वो संसद के पैर ऐसा पायरी को ऐसा स्टेप को ऐसा आता गया, मैं बहुत डर गया था, बहुत डर गया। मैं बोला ये अगर वेन ही टचिंग दैट थिंग, मतलब समझ जाओ, क्योंकि वो पहले किसको मारने के पहले उसको पानी पिलाते थे। वो हाथ लगाया मेरे हाथ के ऊपर, काटा गया इसका। मैं बोला ये कुछ मतलब ये सीधा नहीं है, क्योंकि मुझे पहला मालूम था, हम गांव से है ना, हमको मालूम है ये जो कभी भी बकरा काटता है ना वो उसको पहला पानी पिलाता है। वो लोग उधर से सीखा है। गांधी जी को मारने के पहला भी वो गांधी जी के मृत्यु के बारे में मैं क्यों बोला, गांधी जी को मारने के पहले ये नथुराम जो है वो गांधी जी के पैर छुए थे। खतरनाक लोग है ये, इसको हाथ लगाए, संसद के पैर को हाथ ऐसा करते गया ना। मैं बोला ये जब 4-5 साल में इसका कार्यक्रम बजाने वाला है, वो बहुत बड़ा एक्टर है, अभी इतना एक्टर है, लेकिन वो अभी वो याद हो दोस्तों बोलेगा तो मेरे घर में छोटा कुत्ता है। अभी उस दिन दीक्षा साहब में लिख रहा था और वो कुत्ता भूखने लगा, मैं बोला क्या हो गया आपको, यहाँ देखने का तो टीवी के ऊपर भूखा, टीवी में कौन है, तो वो टीवी में आया था, और जब तक उसका भाषण चल रहा था कुत्ता भूखा, चुप रहो। जो कुत्ते को समझ में आया है वो इंसान को समझ में आया है, उसके लिए रोज कार्यक्रम करना पड़ता। नेट पे बैठे हैं भाई, वे चेक पे बैठे हैं भाई, इंटरनेट पे बैठे हैं भाई, चंबो चेक पे बैठे हैं भाई, खाली पेट हम बैठे हैं भाई, सूखे खेत पे बैठे हैं भाई, चली जिंदा जी बैठे हैं भाई, वे साइबर के सेठ है भाई, हम सत्संग में बैठे हैं भाई, साधु संतों के संग में भाई, आसाराम के रंग में भाई, सत्य साई की भाषा में भाई, सतयुग की आशा में भाई, सिलिकॉन के वैली में भाई, सियाराम का मार्केट है भाई, वॉल स्ट्रीट पे बैठे हुए भाई, वानर सेना हम बन गए भाई, अमेरिका से देते हैं झटका, अयोध्या में हमने खाया ये फटका, वे एक्टिंग करते हैं भाई, क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं भाई, हम फाइटिंग में मरते हैं भाई, वे सेटिंग करते हैं भाई, हम वोटिंग करते हैं भाई, पूरा सेटिंग है। अभी ईवीएम मशीन के बारे में तो आप लोग टेक्नोलॉजी के लोग हैं, आप सबको मालूम है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। मेरे बेटे को मैंने पूछा ये क्या है,
कोई टेक्नोलॉजी पढ़ता है ना वो बच्चा, आईआईटी में पढ़ता है तो मैं उसको पूछा क्या है ये, अरे बोला ये बहुत बहुत सिंपल चीज है बोले ये, अरे बोला इसको क्या हैक में कुछ करता है क्या, कुछ लोचा लोचा होता है क्या, बोला यार दुनिया किधर गया पप्पा, तेरे को तो समझ में नहीं आता, मंगल पे यान जाता है बोले, और उसका अगर कुछ हटा ढीला कुछ टाइट हो गया तो इधर से हम वो रिमोट से करता है ये ईवे मशीन क्या, कौन से झाड़ का पाला है बोले, किस पेड़ का ये पत्ती है, ये तो सिंपल है। और ये ईवीएम मशीन के खिलाफ हम कुछ नहीं किए हैं, अब समझो आप ये कटा भी आ गए बहुत प्रचार भी किए और ईवीएम मशीन रहेगा और उधर से हो गया शिफ्ट क्या करेगा, डेमोक्रेसी के सामने ये टाइप का टेक्नोलॉजी भी, जैसे डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए टेक्नोलॉजी काम करता है वैसे डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए भी शत्रु टेक्नोलॉजी को ऑफर कर सकता है, इसलिए बहुत शांत पत्ती से उसको हम लोगों को देखना पड़ेगा। वे सेटिंग करते हैं भाई, हम वोटिंग करते हैं भाई, भजन भारत माता का है भाई, पूजन भारत माता का है भाई, बड़े जोर से चला है भाई, बड़े शोर से चला है भाई, नारा देसी का चला है भाई, धंधा विदेशी चला है भाई, खोल खोल के बैठे है भाई, मूल माता का लगा के भाई, खुले भाव से बेचा है भाई, भारत माता को बेचा है भाई। प्राइवेटाइजेशन के बारे में मैं बोलता नहीं, लेकिन जब जिस झोपड़पट्टी में और मैं रह चुका हूं और अभी भी करता हूं, मेरे सारे लोग झोपड़पट्टी में पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, आपके तो किधर किधर अच्छे जगह काम भी करते कॉर्पोरेट में काम करते वो कॉन्ट्रैक्ट ही है, लेकिन हमारे लोग जो है वो नीचे झोपड़पट्टी में कॉन्ट्रैक्ट में मर रहे, पूरा गवर्नमेंट का जवाब नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, नाम शेड्यूल कास्ट का है, रिजर्वेशन है, लेकिन पूरा प्राइवेटाइजेशन, नो रिजर्वेशन, और अभी सबको रिजर्वेशन दे रहे, 10% तो अपर कास्ट को भी दिया, क्या मतलब है मेरी समझ में नहीं आया, मतलब उल्लू बनाने की क्या क्या मशीन है, आज जॉब नहीं है और रिजर्वेशन दे रहे, लोगों को लगता है कि अच्छा हमको रिजर्वेशन मिल गया, अरे रिजर्वेशन में हम लोग हमको मालूम है सिर्फ एक जनरेशन मेरा, मेरे पिताजी तो गटर पे, माताजी गटर पे, उधर ही मर गए, एक तुम्हारे सामने इधर खड़ा हो गया तो इतना पेट में दुखने लगा, एक आदमी आता है, एक अंबेडकर उधर से उठ के आता है तो कितना पेट में दुखता है कि जो अंबेडकर ने लिखा है वो संविधान को भी अस्पृश्य कर दिया, ये देश है जिस जिस चीजों को हम टच करते हैं वो अस्पृश्य किया जाता है, वन टचेबल वन टच करते हैं, बाबा साहब ने बुद्ध धम्म को लिया, बुद्ध को अनटचेबल बना दिया, बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन पर टच किया, वो अनटचेबल है, जल गया तो नहीं कुछ नहीं बोलता, ये खतरनाक है बातें, वे एक्टिंग करते हैं भाई, हम फाइटिंग में मरते हैं भाई, भजन भारत माता का है भाई, पूजन भारत माता का है भाई, बड़े जोर से चला है भाई, बड़े शोर से चला है भाई, नारा देसी का चला है भाई, धंधा विदेशी चला है भाई, खुल खुल के बैठे है भाई, मूल माता का लगा के भाई, खुले भाव से बेचा है भाई, भारत माता को बेचा है भाई, माता खड़ी है ओपन मार्केट में, दिल्ली से दलाली चली है भाई, धंधा राष्ट्रवाद का रे भाई, सिर्फ राष्ट्रवाद नहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म, कितना सुंदर नाम, धंधा राष्ट्रवाद का रे भाई, चंदा डॉलर में लेते है भाई, कैसे स्वयं सेवक है रे भाई, कैसे स्वयं सेवक है रे भाई, सेवा स्वयं की चली है भाई, रतनाम का सजाया भाई, गेम देश का बजाया भाई, ये कीपर शूटर गेमर, इतिहास इनका खोलो, ये इंसा के कसाई, खुले आम सबको बोलो, दुनिया के हर कोने में खोले है कतल खाने, ये धर्म अलग लगते पर एक कारनामे, इन्हें धर्म से क्या मतलब, भगवान से क्या मतलब, भगवान गति इनकी, इन्हें सत्ता से है मतलब, बस्ती बचाना बस्ती, बच्चे बचाना बस्ती बचाना, प्यारा भारत इनसे बचाना, और इनसे नोट तो लेना रे भाई, नोटबंदी में बहुत नोट कमाया, और अभी तो नोट बांटते हैं, अभी लोगों को तुम कितना भी बोलो कि मत लो मत लो, घर में आता है, हम झोपड़पट्टी में रहते हैं हमको मालूम है, नोट आता है, बिरयानी आता है, कपड़ा आता है, ये सब लोग करता है, ऐसा नहीं कि वो एक पर्टिकुलर पार्टी करता है, पूरा देश का डेमोक्रेसी का सत्यानाश करने वाले यही तो लोग है ना, ये जो कल्चर जो है ना,
ये जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको बदलना पड़ेगा ना, वो कैंसर है। द कल्चर ऑफ दिस कंट्री ये कैंसर है, मेजर कैंसर। ये पॉलिटिक्स इज अ फीवर, ऊपर अब फीवर आता है ना, वो कोई डिसीज नहीं है। कल्चरल अंदर जो चीज है, कल्चरल सिस्टम है, उसको हम लोगों को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन इमीडिएटली अभी 2019 में ये जो लोग आए हैं, कैसा भी करके इनको इससे ये रुकन से पहला खत्म करो, नहीं तो ये इधर बैठे हुए आधे लोग तो जेल में होंगे। इनको किया नहीं किया वो छोड़ो, तुम इधर आए ना वो लिस्ट देखेंगे। अभी इधर भी पुलिस रहेगा, अंदर पुलिस रहेगा, कैमरा उनका रहेगा, वो सब रहेगा। लेकिन मैं तो जाने वाला है अंदर, मेरे को मालूम है। प्रशांत भूषण जैसा इतना अच्छा अंदर लेते हैं, तो मैं तो क्या है, मैं रास्ते पे रोज आए तो मेरे को तो ले लेगी। तो मतलब लेकिन आप संभाल के रहो, इनसे नोट तो लेना रे भाई, पर वोट ना देना रे भाई। इनसे नोट तो लेना रे भाई, पर वोट ना देना रे भाई। इनसे नोट तो लेना रे भाई, पर वोट ना देना रे भाई। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।